सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बिगड़ा हुआ है तो क्या हुआ है तो मेरी मरहूमा बहन का बेटा ना जितना मर्जी काम कर ले वो नहीं थकता अम्मी आपकी ये छोटी सी बात है ना कहीं मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ना कर दे सो व्हाट तुमने कोई ठेका तो ले नहीं रखा है उसके मूड का कहीं खाला तेरी उससे शादी तो नहीं कर रही तुम सुफियान हैदर की बेटी हो अब तो लगता है वापस जाने का ख्याल दिल से निकालना ही पड़ेगा अच्छा तो यो तू घर पे क्यों ले आई अरे भाई अल्लाह ने कोई ना कोई इंतजाम तो करना था ना टूट तो कहीं पे कुछ और रहा है और सिर्फ टूट ही नहीं रहा पिघल भी रहा है अच्छा तो बताओ कैसे होते हैं शोबिज़ के लोग देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा ये शादी तो हर हाल में होके रहेगी आजकल मेरी तरफ कुछ ध्यान देना कम नहीं करती है तुमने खाना मैंने नहीं सैफी ने बनाया है एक बाप के लिए उसकी बेटी ज्यादा जरूरी होती है ना कि काम वैसे मावा एक बात सोच रही थी मैं आपने आज तक मुझे पेंट क्यों नहीं किया मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई तुमने कभी इस बात का इजहार ही नहीं किया अगर करती तो मैं जरूर बनाता मगर मैं फिर भी चाहती हूँ आप मुझे पेंट करें मैं भी किसी को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा कितने बड़े आर्टिस्ट हैं किसको है एक दोस्त मिलवाऊंगी आपसे ठीक है as you wish जरूर बनाएंगे excuse me फोमा क्यों बंद कर दिया कितना अच्छा गाना चल रहा था ये अपने शौक ना अपने तक ही रखो सारे मोहल्ले को सुनाने की जरूरत नहीं है इसीलिए तो मैंने दरवाजा बंद करके रखा था और वैसे भी मोहल्ले वालों को तो मेरी कदर तब होगी जब आपकी बेटी टीवी के हर एड में दिखेगी वो तो तब देखेंगे ना जब देखेंगे फिलहाल मैं तुझे किचन में देखूं दोपहर होगी और तुम्हारे ये शौक ही नहीं पूरे होते मैं देखो ना पार्लर में औरतों को देखूं घर में तुम्हारा ध्यान रखूं पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा तुम्हारी इन हरकतों से कौन करेगा तुमसे शादी ओहो मेरी प्यारी अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों लोग आपकी बेटी से शादी करने के लिए पागल हो रहे होंगे देखते जाइएगा बस आप मुझे हजारों लाखों की नहीं खुदा बस मुझे किसी एक से मिला दे और मैं तेरी शादी करके तुझे उसके पल्ले बांधूं और जल्दी करो किचन में आओ मेरे साथ काम करो चलिए पहले बात और थी शावेस पहले अम्मी हवाई बातें करती थी सिर्फ लेकिन अब उनके पास उनकी बातों का सॉलिड रीजन है और वो सॉलिड रीजन आदिल है राइट यार तुम आदिल की फिक्र क्यों कर रही हो जितना मैं खाला को जानता हूँ ना वो तुम्हारी शादी आदिल से तो नहीं करने लगी वैसे भी उसके पास एक घर के अलावा और है ही क्या तो तुम्हारे पास क्या है
एक्सक्यूज मी, उसके पास भी नहीं होता अगर उसकी अम्मा ना मरती तो. और वैसे भी अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, बैठे बिठाए उन्हें भी कुछ हो जाए तो मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा. बजाय कोई हल निकालने के तुम कितनी पागलों वाली बातें कर रहे हो. तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मशवरा दूं कि तुमने अपने अब्बू को कैसे मारना है? अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कौन कह रहा है भाई? मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आदिल से घबराने की जरूरत नहीं है यार. और तुम्हारी अम्मा को ना आदिल के करेक्टर का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे साथ वो इस तरह की दुश्मनी थोड़ी निकालेंगी यार. तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो. ठीक है, अम्मी जब मुझे अपना फैसला सुना देगी ना, फिर ही मैं तुमसे मिलूंगी और फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगी. और अब तुम जाओ. यार अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर रुक जाऊँ? तुम्हारी दीवार कूदना बहुत मुश्किल है यार. जाओ. चाचा शकूर, दो बिस्किट पैकेट दीजिएगा, एक मीठा और एक फीका. चाचा जान, 2 किलो चीनी दीजिएगा. कितने पैसे हुए? 120. 420. 120. ये लीजिए. हाँ चाचा, ये बिस्कुट. अस्सलाम वालेकुम डैड. अरे वालेकुम सलाम. हैरत की बात है, तुम्हारी गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दी. डैड आज अपनी गाड़ी पे गई कहाँ थी? सुबह गाड़ी खराब हो गई थी तो वैसे ही खड़ी हुई है बाहर. तो फिर तुम वापस कैसे आई हो? वो एक दोस्त ड्रॉप करके गया मेरा. अच्छा, मेरा तो यही ख्याल था कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं. ठीक ख्याल है आपका, मेरा वाकई यहाँ कोई दोस्त नहीं है. दोस्त तो नहीं है यहाँ पे कोई. लेकिन अभी तो तुमने कहा कि दोस्त छोड़ के गया. अब मुझे बताएं कि जिन लोगों के साथ आजकल काम कर रही हूँ उन्हें दोस्त ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हाँ ठीक कह रही है किरण, शायद इसकी फिल्म के क्रू में से कोई हो जो इसको छोड़ गया. ठीक पहुंची में से आप. बस इतना सा फर्क है कि क्रू का कोई बंदा नहीं था, हमारे फिल्म का हीरो था. अरे वाह वाह. वाओ, दैट्स रियली नाइस. बड़ी प्रोटोकॉल मिल रही है आपको. जी. अच्छा, अब आपकी इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो जाएं तो मैं फ्रेश हो लूं? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, जाओ जाओ, आप बहुत दो और बता दो, वी आर वेटिंग फॉर यू. हैं तुम्हारी पेंटिंग्स ने तुम्हें मुझसे छीन लिया हो. मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. जिसकी तुम जैसी बीवी हो उसे कुछ हो सकता है भला? अगर दोबारा मेरा रास्ता रोका या ऐसी बात की. अच्छा वो, अब देखिएगा क्या होगा, इस हमारे गांव हमारे पिंड में भी तब्दीली आएगी. सच्ची? जल्दी बता. देखो इस उम्र में तो लोगों की लड़कियां सारा जमाना बेच आती हैं और ये, इसको तो जरा ही अकल नहीं है. बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह.
सबा एक मिनट मेरी बात सुनो। सबा प्लीज, सबा मुझे एक बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ दो उस लड़के का पीछा, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा वो ठीक नहीं है मेरे लिए तो फिर कौन ठीक है? तू। शक्ल देख जरा अपनी, अगर दोबारा मेरा रास्ता रोका या ऐसी बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देखो सबा, मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक नंबर का धोखेबाज है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हूँ। तो कौन कहता है यहाँ रुको, अभी के अभी दबाओ जो यहाँ से। सबा तुम एक दिन बहुत पछताओगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा तो प्लीज मुझे पछताने का मौका दो, दोबारा मेरा रास्ता रोका तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे खानदान के बड़ों ने हमेशा आप सब की ही खिदमत की है और मैं चौधरी फैजान हैदर वादा करता हूं कि एक बार ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाए फिर मैं उन्हीं के चले हुए रास्तों पर खिदमत करके आप सब की जिंदगी इंशाल्लाह आरामदेह बना दूंगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब तक इस गांव में जितने मसले मसाइल हैं और वहां इस्लामाबाद और सेंटर में जो अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में हमारे मिनिस्टर्स बैठते हैं जिनकी तनख्वाह हम देते हैं, अब देखिएगा क्या होगा, इस हमारे गांव हमारे पिंड में भी तब्दीली आएगी, आएगी ना जी। देख सबा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ जाओगी, अब तुम ऐन वक्त पर मुकर नहीं सकती। हाँ जब वादा किया था ना तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐन टेस्ट के दिन इम्तिहान मांग लेगी मेरा। ना बहन मैं नहीं जा सकती, मेरा तो सुबह टेस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, किसके साथ जाऊंगी? हाय मेरा ख्वाब तो पूरा ही नहीं होगा, ना मैं ऑडिशन दूंगी और ना ही मैं सुपर मॉडल बनूंगी। देख सजल, मैं तो सच में तेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मैं तुझे एक फेवर जरूर दे सकती हूँ। सच्ची? जल्दी बता। नहीं अभी नहीं, रात को, पहले मुझे कंफर्म कर लेने दे। पक्का? पक्का। अच्छा ये बता, तेरा कल कौन सा टेस्ट है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मुश्किल है ना? बहुत। खैर अच्छे से नंबर लेना, ठीक है? ठीक है, चल ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो फिर। क्या कर रहे हो आदिल? कुछ नहीं, बताओ। आदिल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर? कैसी फेवर? वो मेरी दोस्त है ना जो उस दिन आई थी सज्जल, जिसकी अम्मी का ब्यूटी पार्लर है मोहल्ले में। अच्छा वो? हाँ वही, उसको ना मॉडल बनने का शौक है। अच्छा कमाल है भाई, वैसे लगती भी पूरी मॉडल ही है वो। वही तो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कल उसका ऑडिशन और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन अब कल मेरा टेस्ट भी है तो मैं नहीं जा सकती, सोचा तुम्हें बोल दूंगी, तुम उसे ले जाओ। मैं? लेकिन सबा। ओहो कुछ नहीं होगा, तुमने बाहर बैठ के उसका सिर्फ वेट ही करना है, वो खुद ही शूट करवा लेगी। अच्छा चलो तुम कहती हो तो ले जाता हूँ। थैंक यू आदिल। वेलकम।
खाना तो मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। कैसा लगा बेटा खाना? वाह खाला, क्या जायका आपके हाथ में, कमाल है। ओ अरे सबा बेटा, तुम भी बैठो ना। नहीं खाला, वो मेरे टेस्ट है तो उसकी तैयारी करनी है, इससे मुझे घर जाना है। रुक जाओ, इकट्ठे ही चलते हैं। नहीं नहीं, तुम बैठो, आराम से खाना खाओ और फिर बाद में आ जाना। हाँ हाँ, तुम खाना खाओ आराम से, तुम्हारा अपना ही घर है, मैं भी तो तुम्हारी खाला जैसी हूँ ना। चल ठीक है, ओके खाला, खुदा हाफिज़। चल ठीक है, कल आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बेटा तूने बहुत ही अच्छा किया जैनब के पास आके, बड़ा ही रोती थी तेरी माँ को याद करके। आपको तो पता है आंटी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को। आमीन। बहुत प्यार था जैनब खाला से, और मेरा तो बचपन सारा जैनब खाला की गोद में गुजरा है, इसी आंगन इसी मोहल्ले में गुजरा है। हाँ ना, इसीलिए तो वो तुम्हें बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझती है। तू मुंह क्या देख रही है, पानी लेके आना। देख नहीं रही कि वो खाना खा रहे और पानी नहीं है? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, जब नवाला फंस जाएगा ना तब लेकर आना, क्या जरूरत है पानी लाने की। आप ही ना, मैं जाती हूँ। तो बाय, ये मेरी लड़की तो ना बिल्कुल ही पागल है। देखो इस उम्र में तो लोगों की लड़कियाँ सारा जमाना बेच आती हैं, और ये इसको तो जरा ही अकल नहीं है। ओहो आंटी, आप क्यों परेशान होती हैं, हो जाएगी ठीक, अभी उसकी उम्र ही क्या है। खैर से सुपर मॉडल बनने की उम्र है। जिसकी तुम जैसी बीवी हो उसे कुछ हो सकता है भला? पता नहीं क्यों, पर कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ हो कि भी मेरे साथ नहीं हो। ऐसे जैसे तुम्हारी पेंटिंग्स ने तुम्हें मुझसे छीन लिया हो। तुमने शायद इन पेंटिंग्स को गौर से देखा नहीं कभी, इन सब में तुम्हें अपना आप नजर आता। ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जिसने ये सब कुछ तख्लीक करवाया है मुझसे।
काफी मिलेगी। मैं बना के लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी है। खाला सलमा ने उसे जबरदस्ती खाने पर रोक लिया था। सारे दिन बुटीक के चक्कर में खामखा खुद को हलकान करती रहती है। उन माँ बेटी का तो काम ही है, जब भी किसी को देखती है ना अपने हाथ में करने की कोशिश करती है। दोस्ती में शक नहीं करते हैं वजाहत। भाई सलाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन बाकी का पैगाम तुम खुद ही किसी दिन आकर दे देना उसे। बन गया क्यों वजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हाँ जी, लेकिन आज का तो वादा नहीं किया था ना। हाँ जी सिल रहे हैं, बस कल भेज दूंगी। ठीक है, नहीं नहीं मैं खुद लेकर आऊँगी। खुदा हाफिज। वक्त से पहले ही मांगने शुरू हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तो अकेली क्यों आ गई, आदिल को कहाँ छोड़ आई है? वो नहीं आया, उधर ही है। क्या मतलब उधर ही है? खाला सलमा की तरफ। खाला सलमा ने उससे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया था। उन्होंने जबरदस्ती रोक लिया और तू छोड़कर आ गई, बड़ी बेवकूफ है तू। तो अम्मी मैं क्या करती, अब वो खाना खाने बैठ गया था, मुझे भूख नहीं थी इसीलिए मैं आ गई। और वैसे भी सुबह मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। पागल लड़की, ऐसे कोई छोड़कर आता है अपने को गैरों के बीच? अम्मी आप उसको देखती ना, वो पराया लग ही नहीं रहा था उनमें। उन माँ बेटी का तो काम ही है, जब भी किसी को देखती है ना अपने हाथ में करने की कोशिश करती। अरे तू सजल से ही कुछ सीख ले दुनियादारी। मुझे नहीं सीखनी दुनियादारी। पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा अकेला वहाँ। करना क्या है, डट के खाना खा रहा होगा। एक तो तू भी ना सदा की पागल है, मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं तेरा करूँ क्या। कुछ ना करें, मुझे टेस्ट की तैयारी करने दे। चल तू कुछ ना कर, तू बैठ इधर, जरा घर का ध्यान रखना, मैं जरा देख कर आऊँ कौन से कोरमे खिला रही है बैठ के रख। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि खुद किसी दिन तुम्हारे साथ फैजान और जवेरिया के रिश्ते की बात करूं। तुम्हारी भाभी भी बहुत असरार करती रहती है, क्योंकि बेटियों की माँ की कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी होती है। अरे भाई इसमें जिम्मेदारी वाली कौन सी बात है वजह? भाई जवेरिया बेटी को अपने ही घर में आना था ना, बस ये इलेक्शन के रौले से फारिग हो ले फैजान, फिर उससे कर लेते हैं शादी की बात। क्या हुआ, खुश नहीं हुए मेरी बात सुन के? वो दरअसल हम चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले ये शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्ती में शक नहीं करते हैं वजाहत, जबान की बात होती है। तुझे क्या लगता है कि इलेक्शन जीत के वो मिनिस्टर बन जाएगा तो शादी से इनकार कर देगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम्हें बताना था कि तुम्हारी भाभी और इंतजार नहीं कर सकती, बस इसलिए। भाभी से कहना वजाहत के थोड़ा इंतजार कर ले, बस कुछ ही थोड़े दिनों के बाद फैजान झंडे वाली गाड़ी में बैठकर जवेरिया को खुद लेने आएगा।
भाभी से कहना बस दुआ कर दें हमारे लिए और मेरी तरफ से सलाम भी कहना भाभी को। भाई सलाम तो मैं दे दूंगा लेकिन बाकी का पैगाम तुम खुद ही किसी दिन आकर दे देना उसे। भाई तुम बहन भाई खुद ही आपस में निमट लो, मेरी बात तो ना उसकी समझ में आती है और ना तुम्हारी। ओए वजह तू फिक्र ना कर, मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आता हूँ और भाभी से कर लूंगा बात। तो अब तो खुश है ना? क्या बात है, खैरियत है ना? कुछ नहीं, डॉक्टर के पास गई थी, कुछ टेस्ट कराए थे, उनकी रिपोर्ट लेने गई थी। क्या आई है रिपोर्ट? नहीं सुफियान, डॉक्टर ने कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी है, एहतियात करना। इसका मतलब 2-3 दिन के बाद दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ तो फिर आना पड़ेगा। आप बस मुझे फोन कर दीजिएगा जैसे ही तस्वीरें आ जाएंगी। हाँ तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और अभी कितने पैसे जमा करवा रही हो? एडवांस? क्या मतलब? मतलब अभी कितने पैसे दोगी तुम 20,000 रुपए में से? 20,000? मेरा मतलब 20,000 रुपए किस लिए जुमी भाई? भाई इतना अच्छा फोटोशूट किया, पैसे तो लगेंगे। फिर लोगों से मैं 40-50 हजार रुपए लेता हूँ, तुमसे तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपए लिए। लेकिन सुमी भाई 20,000 इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो चलो जितने हैं उतने दे दो, बाकी जब सुनियर लेने आओगी तो बाकी दे देना। भाई कल तुम स्टार बन जाओगी तो ब्रांड तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम मुझे मत भूल जाना। अगर मैंने तुम्हारा पहला फोटोशूट किया है। लेकिन सुमी भाई 20,000 इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, सारे पैसे अभी दे दो, जितने तुम्हारे पास है उतने दे दो। हाँ तो बाकी जब तस्वीरें लेने आओगी तो बाद में दे देना। हाँ ठीक है। फिर कितने पैसे दोगी?
क्या सोच रही हो? 700 रुपए जोमी भाई। क्या 700? जोमी भाई इस वक्त मेरे पास इतने ही हैं। जैसे ही पैसों का अरेंज हो जाएगा ना, मैं तस्वीरें लेने आऊंगी तो आपको दे दूंगी। अभी सिर्फ इतने हैं। अच्छा चलो दो। नहीं नहीं फोटोशूट तो बहुत अच्छा हो गया। मुझे क्या पता, तू रहने दे ये मॉडलिंग वॉडलिंग का शौक। अक्सर औकात ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। उसके दिमाग में जो मर्जी आए, लेकिन तेरे दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं बताए दे रही आविश कि मैं भी उसकी जितनी एनर्जेटिक होती। अजीब उल्टी बातें कर रही है। बन गया तू क्यों वजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? तुम्हारा फोटोशूट अच्छा नहीं हुआ? नहीं नहीं फोटोशूट तो बहुत अच्छा हो गया। इनफैक्ट सुमी भाई कह रहे थे कि उन्होंने मुझ जैसी फोटोजेनिक फेस वाली लड़की का शूट आज से पहले कभी नहीं किया। देखो सज्जल, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें कि इनको कभी ना सीरियस मत लेना। अक्सर औकात ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं आदिल, सुमी भाई ऐसे नहीं है। वो तो कह रहे थे कि बहुत से ब्रांड्स और एजेंसीज को मेरा फोटोशूट भेजेंगे, बहुत ऊपर जाऊंगी मैं। अच्छा? हाँ कसम से। गुड है। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है? बस आदिल का रह गया, आया नहीं अभी तक। आ जाएगा अम्मी, आपको क्यों उसकी इतनी फिक्र लगी रहती है? लो बताओ भला, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा उसकी फिक्र? मेरे सिवा उसका है ही कौन इस दुनिया में? वैसे तुझे पता है कहाँ गया है? मुझे क्या पता, मैं सारा दिन कॉलेज होती हूँ, होगा अपने किसी दोस्त के साथ। अजीब उल्टी बातें कर रही है, इस अजनबी शहर में उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है भला? मुझे तो परेशानी हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो मैं कल को अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे मौला। अल्लाह खैर खैरियत से घर आ जाए मेरा बच्चा। आ जाएगा, कोई बच्चा नहीं है।
आदिल, कहाँ गया था तू? वो खाला, वो सबा की सहेली है ना, उसी को फोटोग्राफर के पास लेके गया था। कौन? सजल? हाँ खाला, उसी के साथ गया था। ये तू आते किन चक्करों में पड़ गया आदिल? खाला मुझे तो सबा ने कहा था, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। जानने की कोशिश भी मत करना, एक नंबर की पागल है वो लड़की। पता नहीं उसकी माँ कैसे झेलती है उसे। लो बताओ भला, ऐसे बनता है कोई मॉडल? खाला यही मैंने उसे मना किया कि ये काम आसान नहीं है। आसान से ज्यादा जलालत से भरा काम है ये, पता नहीं क्यों नहीं समझते लोग। खाला वो अपनी समनबाजी भी तो। अरे इसीलिए उसे मना कर दिया था मैंने इस काम से। पहले तो मिन्नत और तरलों से पैसे लो और लोगों की बातें अलग सुनो, दफा। हाँ ये बात तो है खाला, मगर इस लड़की के दिमाग में बात आती नहीं है। उसके दिमाग में जो मर्जी आए, लेकिन तेरे दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आना चाहिए, मैं बताए दे रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं खाला, मैं कोई बच्चा हूँ, वो तो उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने हामी भर ली। बस आइंदा नहीं जाना तूने उसके साथ, ठीक है? ठीक है खाला, अब कहीं नहीं जाऊँगा उसके साथ। वैसे खाला वो पूरी पागल है। ऐसे लोग दूसरों को पागल बनाने में देर नहीं लगाते, इसीलिए तुझे मना कर रही हूँ आदिल। मैं समझ गया खाला, आप अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अब मैं पकड़ाई देने वाला नहीं। और खाला ये सबा को भी समझाएं कि उसकी सिफारिश ना किया करें। उसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। अम्मी पैसे दे देना मुझे। सजल मैं कहाँ से दूं, पूरे 20,000 पे तुम मांग रही हो, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? आपको बताया था ना मुझे फोटोशूट करवाना है, प्लीज दे देना। तू रहने दे ये मॉडलिंग वॉडलिंग का शौक, शरीफ घरों की लड़कियां ये काम करती नहीं है बेटा। पंद्रह 20,000, इतने पैसों की तुझे क्यों जरूरत पड़ गई? तुम ना एक बेहतरीन इंसान हो, तुम आइडियल हो मेरे। पर किस खुशी में सजी हो मिठाई? खलील जिब्रान साहब कहते हैं कि बेतरतीबी या तो हुनरमंदी से आती है या फिर दीवानगी की वजह से आती है। तेरे फैजान साहब की शादी है। इसको देख के तो मुझे अपना कमरा याद आ गया। जब तक हमारी बात पक्की नहीं होती ना, तब तक के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बस ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग में हो जाता है सब कुछ। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।